उसके बाद देखिए बच्चों, अब हमने ये तो चेक कर लिया कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट बनाता है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ के लिए बच्चों हमें कुछ दूसरी चीजें भी जरूरी होती हैं, जो चाहिए है वो क्या है बच्चों? नाइट्रोजन। तो बच्चों देखो, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो यहां पर बच्चों एक प्लांट का एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है, ये देखो एक अच्छा सा प्लांट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो हमने मान लिया कि ये एक प्लांट है बच्चों, ये इस प्लांट की रूट्स है, इस टाइप से हमने मान लिया कि यहाँ जो है इस प्लांट की रूट्स है, और ये हमने एक प्लांट का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब बच्चों देखो, एक बात बताइए मुझे कि जो प्लांट होता है बच्चों, उसको अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है अगर मैं आपसे पूछूं? तो बच्चों नाइट्रोजन जरूरी है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। तो ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन मिलेगा कहां से? देखिए बच्चों, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, क्या हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है बच्चों, इसके अंदर आप सबको पता है एयर प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर एयर से बनता है, ठीक है, और इस एयर के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, यही बात है, ठीक है। तो बच्चों मान लो कि ये नाइट्रोजन के पार्टिकल्स है, इस टाइप से ये सारे के सारे पार्टिकल नाइट्रोजन के हैं, ठीक है, थीके? तो ये नीचे की तरफ तो आते हैं, ठीक है। मान लो यहां से एक पार्टिकल का एग्जांपल अगर मैं लूं, तो मान लो ये क्या है? नाइट्रोजन का पार्टिकल है, ठीक है, ये नीचे की तरफ तो आता है, ठीक है, यहां तक आ जाएगा, लेकिन यहां से प्लांट कैसे लेगा इसको? प्लांट तो नाइट्रोजन को कंज्यूम कर ही नहीं सकता है डायरेक्टली, तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें जो है इसको ऐसी फॉर्म में, ऐसे रूप में बदलना पड़ेगा ताकि प्लांट इसको कंज्यूम कर सके। जैसे बच्चों मान लीजिए कि आपको भूख लगी और खाना खाना है, मम्मी क्या करे, आपको जो है कच्चे आलू ला करके दे दे, तो क्या आप खा लोगे? नहीं खा सकते। कब खाओगे? जब मम्मी उनको पका करके, कुक करके आपको देगी। वैसे ही बच्चों एटमोसफेयर ने इसको नाइट्रोजन तो दे दिया, लेकिन ये खा तो नहीं सकता इसको। तो बच्चों क्या होगा, जैसे आपकी मम्मी ने पोटैटोज को कुक किया, वैसे यहाँ पे बच्चों क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। कौन होता है बच्चों? यहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं, और इन बैक्टीरियाज का नाम क्या होता है बच्चों? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या नाम होता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, इस नाम को याद कर लेना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये बच्चों बैक्टीरिया जो होंगे क्या काम करेंगे? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देंगे, और वो नाइट्रेट्स फिर वाटर के साथ मिक्स होकर के, यहाँ जो वाटर होगा उस वाटर के साथ ये नाइट्रेट मिक्स हो जाएंगे, और फिर प्लांट जो है इनको कंज्यूम कर लेगा और अपनी जो ग्रोथ है उसको करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वंस अगेन।